हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी ये वीडियो बिल्कुल अलग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे आसपास कुछ ऐसी जगह होती हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता। ऐसा ही एक जगह है खरसिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर अटल रॉक गार्डन। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसा है अटल रॉक गार्डन। फ्रेंड्स, हम निकल रहे हैं खरसिया से। अगर आप रायगढ़ से आते हैं तो आपको 42 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ दो रास्ते हैं, राइट आपको रायगढ़ के लिए जाएगा और हमें मुड़ना है लेफ्ट जो हाईवे के लिए जाती है। हाईवे में लेफ्ट की तरफ शक्ति वाले रास्ते में जाना है। इस रास्ते पे आपको ऐसे पहाड़ नजर आएंगे जो काफी अच्छा लगता है। रास्ते का मजा लेते हुए हम पहुंच गए अटल रॉक गार्डन। यहाँ पर आपको अपना नाम और गाड़ी का नंबर एंट्री करना होता है और 15 रुपीज़ देना पड़ता है। यहाँ से हमें लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर जाना है। यहाँ पर पार्किंग बना हुआ है और झूले भी हैं जिसकी कंडीशन थोड़ी खराब है। यहाँ हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं आगे। यहाँ पर आप आराम से बैठकर झरने का मजा ले सकते हैं। ये रहा झरना और देखने में बिल्कुल नेचुरल स्विमिंग पूल जैसा है और पानी मैं आपको दिखाती हूँ कितना साफ है। अब हम चलते हैं ऊपर की ओर और ऊपर से इसका पूरा व्यू देखते हैं। ऊपर से व्यू काफी अच्छा लग रहा है, चारों तरफ ग्रीनरी है और ये जो झरना दिखाई दे रहा है ये वही झरना है जिसे हमने नीचे देखा था। ऊपर में यहाँ एक और झरना है जिसमें पानी थोड़ा ज्यादा है। इसका पानी नीचे वाले झरने में जाता है। चलिए नीचे जाकर देखते हैं। इस झरने का आप पूरा मजा ले सकते हैं क्योंकि यहाँ फिसलन भी नहीं है और पानी भी काफ़ी साफ है और यहाँ गहराई भी बहुत कम है। फ्रेंड्स, हम अपनी डेली लाइफ से निकलकर ऐसी जगहों पे घूमने आते हैं तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। हमने तो अपना काफ़ी टाइम स्पेंड किया यहाँ। आप भी यहाँ आइए और नेचर में अपना टाइम स्पेंड करिए। फ्रेंड्स,
आपको ये जगह कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।